वेलकम टू गेम सेट मैच। एक नया दिन, एक नया शो आज का, एंड पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज द टॉक। कल मैं जितना गुस्से में थी, आज उतना ज्यादा रिलैक्स हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लड़कों ने जो है वो शो किया कि फाइट बैक कर सकते हैं, जम के खड़े हो सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते हैं। सो उसके हवाले से डिस्कशन होगी और भी बहुत सारी बातें जिनके हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदीर अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। और पाकिस्तान यकीनी बना रहा है पांचवें दिन एक तो इस मैच को लेकर जाएंगे, जो कि हम में से आज सुबह बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान पांचवें दिन तक ये मैच लेके जा रहा होगा, बल्कि पाकिस्तान ने वेल थ्योरेटिकली एटलीस्ट तीनों रिजल्ट्स के जो ऑप्शंस हैं वो ओपन रखे हुए हैं। दे कैन गो ऑन चार्ज फॉर अ विन, हाईली अनलाइकली। दे कैन लूज द गेम एज वेल, वेल दैट्स क्वाइट पॉसिबल। बट आई थिंक पाकिस्तानी आवाम जो है वो कल का ये जो मैच चल रहा है कल के दिन, पाकिस्तान इफ यू मैनेज टू प्ले द एंटायर डे तो भी काफ़ी मुतमईन होंगे। लेकिन सवेरा इज दिस, इट्स नेवर ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स, एंड फैट लेडी के अभी गाने में तकरीबन कोई 94 ओवर्स हैं मौजूद। बट What a fight back. मजा आया। Honestly, what a fight back. सबसे बड़ी बात ये कि मजा आ रहा है दोनों को देखते हुए। The way अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आर बैटिंग, दो मुझे लगता है प्लेयर्स की यहाँ पे, एक तो बाबर की मास्टर क्लास की आज जरूरत थी और आज बाबर ने उस तरह मास्टर क्लास दिखाई। जस्ट 2 run short from his century and fingers crossed, February 2020 के बाद जो है ये सेंचुरी आती हुई दिख रही है। सो ही इज़ ऑन हिज नर्वस 90s, जस्ट 2 more runs टू गो और देखना है कि होती है सेंचुरी, कब होती है, जल्दी से होती है कि नहीं होती। मगर साथ ही साथ दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक की मैं अगर बात करूँ, कमेंडेबल बैटिंग बाई हिम, टैलेंटेड प्लेयर और जिस तरह जो है ही हैज़ बीन प्लेइंग राइट नाउ, दो अच्छे टेक्निकली साउंड बैटर्स हमें आज क्रीज पे दिख रहे हैं। और देखिए अब्दुल्ला शफीक अपने चौथे टेस्ट मैच में इस वक्त एक्शन में नज़र आ रहे हैं और आई थिंक उनकी ये जो इनिंग्स है, इट्स अ टेल ऑफ आई थिंक 2 different आई वुड से साइड्स ऑफ द पिक्चर। स्टार्ट में बहुत स्लो खेल रहे थे, इनफैक्ट इट वाज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वेरी नेगेटिव स्टार्ट बाय पाकिस्तान। और पहले सेशन में जिस तरह अज़हर अली और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, बिकॉज इमाम तो बहुत जल्दी आउट हो गए थे, ये बात क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग फॉर द चेज। एंड यस, 505 स्कोर करना चौथी इनिंग में एक बड़ी अनयूजुअल सी बात होती है, लेकिन आई विल हैव टू, जैसे कल लाला से भी हमारी बात हो रही थी, लाला ने कहा था पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, यू आर प्लेइंग नेगेटिव क्रिकेट। लेकिन अज़हर के आउट होने के बाद जब बाबर आए तो फिर उसके बाद से इनकी बॉडी लैंग्वेज में भी तब्दीली नज़र आई अब्दुल्ला की, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ अब बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक इफ ही फॉल्स शॉर्ट, ही इज इन हिज 60s राइट नाउ, लेकिन इफ ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ 100 इट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इस वक्त सवेरा हमारी निगाहें बाबर की 100 की तरफ है। बिल्कुल, निगाहें वही हैं और इंतजार उसी चीज का है। बट अदील, एक चीज जो आप कह रहे हैं ना, शुरुआत जब हुई, सो आई वाज जस्ट वाचिंग द मैच देयर एट द स्टेडियम और एकदम से मेरी नजर स्क्रीन पे पड़ी एंड आई सेड 20 ओवर हो गए हैं एंड देन आई सॉ 18 run, लाइक फर्स्ट 20 ओवर्स एंड 18 run, मतलब कमाल ही कर दिया था कि ऐसा लगा जैसे चौकड़ी मार के पिच पे बैठ गए हैं बस, एंड दे आर नॉट मूविंग हियर एंड देयर। मगर नहीं हुई, अभी नहीं हुई सेंचुरी। अभी जो है ना बिल्कुल हम इस तरह उस पे जो है अटके हुए हैं कि जल्दी से जो है वो बाबर की सेंचुरी हो, बिकॉज ये सेंचुरी का जो काल पड़ा हुआ था बहुत दिनों से। और ये जो बार बार हम, पता नहीं होता है दुनिया भर में, कहीं भी कंपैरिजन नहीं होता, बट बार बार यही बात हो रही थी कि 3 ऐसे प्लेयर्स, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ एंड बाबर, इनकी सेंचुरीज गायब हुई हैं पिछले 2 साल से। बिल्कुल, सो कब आएंगी वो सेंचुरीज, कब आएंगी, कब आएंगी? मे बी बाबर वुड बी द फर्स्ट इन तीनों में से। आई रियली होप सो, बाबर इज जस्ट 2 runs अवे अभी, और हो सकता है जो अगली बॉल इस वक्त पैट कमिंस करवा रहे हैं इसी में, नहीं जी नहीं, आई डॉट बॉल है ये भी। मैं ये सोच रहा था सवेरा, अब तो पता है, अब जब किसी चीज को बहुत ज्यादा अरसा हो जाता है ना और वो चीज जब होती है तो फिर आप सोचते हैं अच्छा जब वो आखिरी बार हुई थी तो उस वक्त क्या था। मैं सोच रहा था कि जब आखिरी बार बाबर ने 100 मारी थी तो हमें तो कोविड के लॉकडाउन का पता ही नहीं था कि ये चीज क्या होती है। हमें पता नहीं दुनिया, हमें ये पता ही नहीं था दुनिया कैसी चेंज होने वाली है अगले 2 साल में। सो मच इज चेंज इन द पास्ट 2 years, एंड एज फार एज द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज ऑल्सो कंसर्न, काफी कुछ बदल गया पिछले 2 साल में। एंड रियली होप, अभी भी 2 runs हैं, यू नो यू रियली कांट से एनीथिंग, बट वी आर विशिंग बाबर ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। बट अदील, साथ ही साथ एक खबर आज आई कि स्टेडियम्स के नाम बदलने की बात हो रही है और इस तरह सोचा जा रहा है, गद्दाफी स्टेडियम के हवाले से खबर आई कि नाम बदलने की, और ये न्यूज़ जो है वो क्रिक इन्फो पे दानियाल रसूल ने रिपोर्ट की। और दानियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट राइटर, क्रिक इन्फो में लिखते हैं। दानियाल, वेलकम एट मैच। हाय, गुड टू बी हियर। मैं आपकी ये सुन रहा था बात, मैं भी अभी बाबर की इनिंग्स पे ही फोकस कर रहा हूं, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट दिस स्टोरी एज़ वेल। मैं एग्जैक्टली दानियाल आपसे यही कहने वाली थी कि आप स्टेडियम में मौजूद हैं, सारा ध्यान आपका भी इस वक्त जो है वो वहीं होगा
कि बाबर के वो दो रन कब बनेंगे, इनफैक्ट एक रन अब रह गया, 99 हो गए बाबर के। बट व्हाट्स दिस न्यूज़ दानियाल, क्या खबरें हैं? गद्दाफी स्टेडियम का नाम क्या, कहाँ, किस में तब्दील होने वाला है? स्पॉन्सर्स में खाली तब्दील होगा या उनकी मर्जी के किसी क्रिकेटर का नाम साथ लग जाएगा या कोई स्पॉन्सर का नाम आ जाएगा किसी भी स्टेडियम के सामने? आई थिंक ये अभी रिलेटिवली अर्ली स्टेजेस पे है, लेकिन इस पे बिहाइंड द सीन्स पीसीबी काफ़ी कुछ काम कर चुके हैं। मेरी जो चेयरमैन साहब से, रमीज राजा साहब से बात हुई थी, उसमें यही इम्प्रेशन था कि बिहाइंड द सीन्स इस पे इज बीन वर्किंग ऑन इट, और ये पीसीबी हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैसे भी हमें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पीसीबी ने जितनी अपनी एक्सप्लोर कर सकता है वो नहीं की। तो इन्होंने कहा था कि हमने सर्वे भी कराया यूगव से, जो कि वेल नोन है, जो कि पोलिंग भी करती है, और आई थिंक इंटरनेशनल सर्वेज अपने फाइनेंशियल एस्टिमेशंस भी देती है। तो उनसे कराया था देखने के लिए कि क्या कमर्शियल वर्थ है हमारे सारे स्टेडियम्स को नेम कर, हमारे स्टेडियम्स को नेम करने की। तो आई थिंक मुल्तान, लाहौर और कराची आर द रीजन पे ये दे आर लुकिंग एट देम, और इसमें गद्दाफी क्योंकि एक बड़ा आइकॉनिक नाम है तो उसको चेंज करना वो बिग न्यूज इसलिए है क्योंकि वो नेशनल स्टेडियम तो एक जेनेरिक नाम है, लेकिन स्पॉन्सर्स के पीछे दे आर लुकिंग टू नेम अगर इन्हें कोई अच्छी ऑफर्स मिल जाती है। सो यानी कहने का मतलब ये दानियाल अदील है दैट अभी तक कोई लाइक इट्स अर्ली स्टेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी ये मामला आगे बढ़ेगा एंड पीसीबी आई थिंक प्रॉपर टेंडर वगैरह लॉन्च करेगी इसका और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इट्स नॉट लाइक आप एक प्रेस रिलीज दे सकते हैं जिसके अंदर आपने फैसला कर लिया, ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा एक जिसमें रेड टेप और फॉर्मेलिटीज है वो वाला प्रोसेस होता है टू एक्चुअली चेंज ए नेम। गद्दाफी के नाम की चेंज की तो पहले भी आपने सुना है काफ़ी बात हुई है, तो इट्स नॉट ईजी कि आपने बस फैसला कर दिया और हो गया, और देन ऑब्वियसली इन्हें अगर लगेगा कि हमें एक अप्रोप्रिएट ऑफर मिली है तो तभी ऑब्वियसली दे विल गो फॉर इट, वरना नहीं, बिकॉज इस सर्वे कराने का यूगव से यही मकसद समझ आता है। अच्छा दानियाल, ये चीज़ कुछ क्लैरिटी में आई है कि वो सिर्फ नाम होगा स्पॉन्सर का या फिर उस स्टेडियम की जिम्मेदारी भी वो होगी? बट मैं यहाँ पे अपना सवाल रोकूंगी, दानियाल आप लाइव देख रहे होंगे, सेंचुरी बाबर आजम की हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और अपने कैमरामैन से भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि ऑल टुगेदर के ये बाबर आजम की सेंचुरी फरवरी 2020 के बाद ये सेंचुरी आई है, यानी एक सेंचुरी का जो है वो काल पड़ा हुआ था बाबर आजम की लिस्ट में। बट यस दानियाल, आपके यहाँ साथ रहते रहते आपका यहाँ रहना हमारे लिए और मुबारक हो गया। मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन मैं खुश हूँ कि इस वक्त आई एम ऑन एयर, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ बिग मोमेंट बाबर के लिए भी। ये आपने जिसमें बात की, ये कोविड पैंडेमिक से पहले और हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली इंडिया में भी फोकस रहता है कि विराट कोहली बड़ी देर 100 नहीं हुई, तो वो एक दफा एक खत्म हो जाए आप पे तो आप पे प्रेशर हट जाए, तो हु नोज कि आपकी फॉर्म किस लेवल तक ले जाती है, क्योंकि इस लेवल पे कोई भी मेंटल प्रेशर काफी एक्सट्रीम हो सकता है। जबरदस्त दानियाल, बट वो जो मैं एक सवाल मैं पूछ रही थी कि क्या जो स्टेडियम्स की मेंटेनेंस वगैरह होगी फिर भी स्पॉन्सर्स का काम होगा या इट्स जस्ट द नेम? आई एम नॉट क्लियर, आई थिंक ये सारी चीजें अभी इन्हें आयन आउट करनी है जितना आप कह रही हैं अर्ली स्टेजेस पे, लेकिन याद रखें ये ऑब्वियसली कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है तो उसके लिए भी इन्हें एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। दानियाल जाते जाते एक आखिरी सवाल स्टेडियम के नाम के हवाले से, आपने हमें बताया, थैंक यू सो मच, लेकिन क्या लग रहा था आज सुबह पाकिस्तान चौथा दिन निकाल लेगा? अभी भी मुझे लगा है बॉलिंग कंडीशंस मुश्किल हैं, तो इसलिए आई थिंक अभी भी इन द बैलेंस है, चाहे आज कोई और विकेट ना गिरे कल शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, तो मेरे ख्याल में प्रेडिक्शन रहने देते हैं, जिंक्स नहीं करते। बिल्कुल जिंक्स नहीं करते, थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू, एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज गद्दाफी स्टेडियम का जहां तक नाम का ताल्लुक है। जाहिर है कर्नल गद्दाफी एक वैसी इंटरनेशनली एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन गए थे एक जमाने में, जाहिर है उनका तूती बोला करता था इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, लेकिन अब नहीं, काफी अर्से से ये बात हो रही थी, आई थिंक सवेरा दिस इज अ गुड थॉट, बिकॉज दुनिया भर में ब्रांड्स नेम करते हैं स्टेडियम्स को। आई थिंक अगर सिडनी में मैं गलती पर ना हूँ, जो उनका ओलंपिक स्टेडियम था वाज नेम्ड द एएनजी स्टेडियम फॉर सम टाइम, एनसेट ऑस्ट्रेलिया एक एयरलाइन हुआ करती थी उसके नाम पे वो हुआ करता था, आर्सेनल फुटबॉल में, अच्छा फुटबॉल में, लेकिन फुटबॉल में या तो उस ब्रांड ने उसकी कंस्ट्रक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन किया हो, जैसे आर्सेनल का जो स्टेडियम है वो एमिरेट्स कहलाता है, इत्तेहाद है जो के, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड टीम्स आर स्पॉन्सर्ड बाय दैट, एब्सोल्युटली ओल्ड ट्रैफर्ड ये लोग कभी अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज उनका जो एफिलिएशन है विद दैट नेम, दे आर नेवर गोइंग टू चेंज दैट। आई थिंक ये गद्दाफी स्टेडियम वाला दिस चेंज वॉज ओवर डू, आई थिंक एन ओवर डन नेम, एंड अगर इनको अच्छे स्पॉन्सर मिल जाते हैं, बड़ी मजेदार ट्विटर पे इस वक्त डिस्कशन चल रही है, मैं ब्रांड्स का नाम ले नहीं सकता, लेकिन बहुत मजेदार, यानी कराची में तो बिरयानियों की ब्रांड नेम्स के नाम आ रही है कि व्हाट इफ द फलाना बिरयानी स्टेडियम के नाम से ये पड़ जाए तो फिर क्या बात होगी, स्टेडियम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाएगा। एग्जैक्टली, और मतलब कराची का स्टेडियम जो है दैट इज नेशनल स्टेडियम कराची, सो नेशनल स्टेडियम कुड बी इजीली चेंज्ड एंड ऑल, मतलब आराम से उसको बदल सकते हैं, उसको स्पॉन्सर वो कर सकते हैं, बट अ वेरी नाइस आइडिया। अच्छी बात यह है कि रमेश राजा इज थिंकिंग अबाउट जनरेटिंग फंड्स बाय एनी हाउ, बट
समटाइम्स आई फील अदील ही इज थिंकिंग इट अ लॉट नाउ, बिकॉज अगली जो हम बात करने लगे हैं, कल एक और खबर आई जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात हुई, दो के टेस्ट मैच चल रहा था, कल इतना बुरा दिन था टेस्ट मैच का पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट चेयरमैन साहब का फोकस जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग पे होना और उसके हवाले से बात करना, वो खबर देना कि दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ऑक्शन नाउ और वो फ्रेंचाइजेस से बात करेंगे कि ऑक्शन हो, बट एट द एंड जो एक आखिरी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे हमेशा ये लगता है कि वाई मेक योर पार फ्रॉम योर नेबर्स, आप अपने आप को अपना पार सेट करने दें इंस्टेड ऑफ comparing to each other. And then mujhe ye lagta hai, with all due respect, Ramiz Raja is too obsessed by global cricketing system. Yes. Yani idhar ka ye best hai to udhar ki falana best hai. I mean, I totally agree. Us din jo baat ho rahi thi hamare show mein bhi ki mitti lane ki Australia se kya zarurat hai. I mean, this entire dead wicket discussion is done now. Khatas, game over ho gayi. Aap hi ki wicket hai na, aap hi ki mitti hai yaar ye. प्रॉब्लम आपकी बैटिंग की अप्रोच में थी, ये बात समझने वाली बात है. सिमिलरली जहां तक आईपीएल ये जो बिडिंग का ताल्लुक है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट, लाइक जो आपकी कमजोर फ्रेंचाइज हैं वो पीछे रह जाने वाली हैं इसमें. आपकी फ्रेंचाइजेस इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है और दे आर नॉट वेल कैपिटलाइज्ड एज वेल. सो आई थिंक, आई रियली डोंट थिंक IPL के मुकाबले में PSL की जो अच्छी बात है वो टीम का बैलेंस होना है, बिकॉज जिसकी वजह से आपने टीयरिंग सिस्टम बनाया हुआ है. बिल्कुल, वरना जिसके पास पैसे हुए उसकी ज्यादा तगड़ी टीम. मगर बात करेंगे इसके हवाले से और फर्दर ऑन बात करेंगे, मगर पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इस वक्त हमारा फोकस है और फोकस डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद मौजूद है. यासिर, वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच. सो यासिर, अब तो मैं कहूंगी कि थोड़े से हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, एहसासात बदल गए हैं, मगर कल तक जो हाल था पाकिस्तान टीम का, आपको लगता था कि आज का दिन हम गुजार लेंगे या आज ही टेस्ट मैच खत्म हो जाता? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में एंटर हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, थैंक्स टू बाबर आजम ऑन अ ग्रेट 100. आई मस्ट से कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली और प्रेशर में खेली और 21 इनिंग्स के बाद उन्होंने 100 किया आज, तो हैट्स ऑफ टू हिम. और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है. मैं समझता हूँ कि बड़े ही टेक्निकली साउंड है और बड़ा टाइम है उनके पास खेलने का, और उन्होंने एक्चुअली ही इज किलिंग, जो इंटेंट है ऑस्ट्रेलियन इंटेंट को किल करने में बहुत बड़ा हाथ है इस वक्त अब्दुल्ला शफीक का. और यहाँ से अब वाकई आप ठीक कह रही है, रिस्पेक्टेबल पोजिशन में जा रही है पाकिस्तान टीम. देखें, एक दो सेंचुरीज हो, एक दो फिफ्टीज हो, वी नो कि बहुत बड़ा टोटल है, 500 रन बहुत ज्यादा है. तो अगर फिर हार भी जाए तो डजंट मैटर, फिर मतलब सारे कहते हैं कि यार ठीक है, फाइट करके आ रहे हैं. तो मेरे ख्याल से अभी बेहतर हो रहा है. या सिर्फ अब सिचुएशन लगती क्या है, लाइक आज का दिन तो बस अपने खत्म को पहुंच रहा है, मेरे ख्याल से अभी कुछ ओवर्स रह गए. हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आज खेल खत्म होने से पहले नई बॉल आखिरी दो ओवर्स करवा सकता है उससे, अगर इफ द कैलकुलेशंस आर राइट. पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कल को क्या होनी है? पहला घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा मेरे ख्याल से, वो टोन सेट कर देगा इस मैच की. आस्किंग मी? जी जी यासिर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरा सवाल सुना. जी, या शैल आई रिपीट? जी देखिए, आई एम नॉट रॉन्ग शेप भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है? नहीं, मैं यासिर अदील अजहर, मैं अदील अजहर यहाँ पर मौजूद हूँ. जी 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 जी, नो इश्यूज एट ऑल, नो इश्यूज. देखिए, यहाँ से मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम देखिए कंफर्ट जोन में आ रहे हैं. 556 के अगेंस्ट 149, बड़ी थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी हम लोग. एक बैटिंग विकेट पे, बैटिंग पिच पे हम लोग इतना, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल बॉक डाउन कर रहे थे. लेकिन अब जो है, अब सिचुएशन चेंज हो गई. अब में ये एबिलिटी है, बाबर आजम में भी एबिलिटी है कि वो अपना होम ग्राउंड पे कोई बड़ा स्कोर नहीं है, इसको वो कन्वर्ट करेंगे, इस 100 को 100 में लेके जाए, 250 में लेके जाए. देखिए, वी ऑल नो कि उसके पास जो उन्होंने टैलेंट दिया हुआ है वो राइट अप उस क्लब में है, राइट अप जावेद भाई, जहीर अब्बास, यूनुस खान, इंजमामुल हक, ये वो वाला क्लब है बाबर. तो अब ये इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है एज ए कैप्टन कि यहाँ से ये वाली इनिंग खेले, 200-250 करे और पाकिस्तान यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है. तो देखे, पहले तो हमने अगर डिफेंस पे जाएंगे
अगर हम डिफेंसिव मोड में चले गए तो वी ऑल नो कि क्या होता है टेस्ट मैच में, अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के साथ खेलते हो तो आप पे कॉन्फिडेंस जो है वो चढ़ाई कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि बड़ी मंझी हुई टीम है इस वक्त, ये मतलब ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये पाकिस्तान इनके हाफ एक्सपीरियंस में, आप स्टीवन स्मिथ को देखें, आप डेविड वार्नर को देखें, आप मिशेल स्टार्क को देखें बॉलिंग में, किमिंस को देखें, तो ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमें पता है कि हमारी जो टीम है ये बड़ी कैरेक्टर है, वर्ल्ड कप में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और वी मस्ट अप्रिशिएट देम, और यहाँ से हमें इसको बैक करना चाहिए। और मैं तो मेरी तो दुआएं एज ए क्रिकेटर, पाकिस्तान जीतेगा तो हम लोगों की इज्जत है, हम लोगों का नाम है, हम लोग की खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान यहाँ से हिस्ट्री क्रिएट करे। बट यासर यही चीज़ आज डे फोर है, मैं अगर कल के दिन के हिसाब से आपसे पूछूं और पहले जाऊं पीछे, तो दो दिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है, फिर तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करके पाकिस्तान को दावत देता है कि अब आप इसको इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करें या लीड चढ़ाएं हमारे ऊपर या वट एवर, और चार घंटे में जो है वो पाकिस्तान टीम को ऑल आउट कर लेता है। उस टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या गलतियां की हमने, क्या पिच में एकदम से इतना सब कुछ हो गया था या हम अपनी गलतियों पे आउट होते चले गए? देखिए जब इतना बड़ा स्कोर हो तो ऑब्वियसली प्लेयर एक फ्रेम ऑफ माइंड से जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां पे थोड़ा सा हमें पॉजिटिव इंटेंट शो करनी चाहिए पहली इनिंग में, क्योंकि पिच बेहतर थी, पिच जो थी अगर आप देखे पहले दो दिन पिच अच्छी थी, अभी थोड़ा पिच जो है ये ड्राई होके टूटना शुरू करेगा। अभी अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह बैटिंग की है लेग स्पिनर के अगेंस्ट और जिस तरह रिवर्स खेल रहे हैं, तो एक अच्छा प्लेयर जब आपके सामने अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ यंगस्टर है, उसका अच्छा डिफेंस है, बड़ा कॉम्पैक्ट है, तो बाबर आजम जैसे प्लेयर को एक लाइसेंस मिल जाता है, लिमिट मिल जाती है, अगर वो अपने शॉट भी खेले क्योंकि उसको दूसरी एंड से सपोर्ट दे। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली इनिंग में हमने एक चांस मिस किया है कि हम इनके क्लोज जाते हैं। पहले तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा रन किए, 556 रन आर टू मच, मैं समझता हूँ इतना ये अनएक्सेप्टेबल है, आप नहीं करा सकते, इतने रन नहीं होने चाहिए थे, इसका मतलब आपके पास एक जो है विकेट टेकर बॉलर की कमी थी और वो आपने मिस किया, कोई लेग स्पिनर कोई स्पिनर होता तो वो आप हम लोगों ने मिस किया है, इसमें कोई वो नहीं है, ये इस चीज़ को मानना चाहिए। यहाँ पे यासिर शाह होता तो डिफरेंट हो सकता है कि ये इतने रन ना कर पाए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके काफ़ी परफॉर्मेंसेज ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो एक प्रेशर भी होता है प्लेयर पे जब अच्छे बॉलर को फेस करें, तो खैर वो तो एक चीज़ है हो गई, बट बहुत ज़्यादा हुई है 556 आउट ऑफ वो कहते हैं ना कि रेडार, और इसलिए मतलब बंदा जहाँ से वो पाकिस्तान टीम अगर मैच जीतती है तो बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट होगी, वरना अगर ड्रॉ पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से इनकी जीत। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक ड्रॉ का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होगा इतनी मुश्किल पोजीशन से आके वो जीत जैसा ही होगा। अच्छा, ये आपको अपडेट करते चलें, 80 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, सो ऑस्ट्रेलियंस हैव टेकन द न्यू बॉल और इस वक्त मिचेल स्टार्क करा रहे थे और दूसरी गेंद बड़ी ख़तरनाक थी और अब्दुल्ला शफीक है मेरे ख्याल से जो बैटिंग कर रहे हैं और इस वक्त बचने में कामयाब हुए, पैट कमिंस जो है वो इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं। सो चलें जी, आपने इंटेंट की बात की यासर थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान जब पहली इनिंग में आया था, हमने जो अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ भी आज सुबह किया है तो वो कोई इंटेंट इतनी मज़ेदार थी नहीं। आई थिंक पहले कोई 20-22 ओवर्स में पाकिस्तान ने 18 रन सिर्फ बनाए थे और अज़हर अली में देख रहा था जिस वक्त वो आउट हुए, उन्होंने 57 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो आउट हुए। यासर आप भी ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं, प्रेशर सिचुएशन में खेले हैं, ज़ाहिर है सेकेंड इनिंग का आगाज़ भी पाकिस्तान बहुत विजिबली अंडर प्रेशर नज़र आ रहा था। देखिए प्रेशर तो था, सॉरी आपकी बात थोड़ी सी बीच में स्किप हो रही है, बट मैं पूरी तरह सवाल समझ नहीं सका, बट आप कहें तो मैं रिपीट कर देता हूं। यासिर मैं ये कह रहा था कि सेकंड इनिंग का आगाज भी पाकिस्तान ने बहुत आहिस्ता, यानी कि कोई 1.25 रन की औसत से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, कितनी देर तक तो पहली बाउंड्री आई भी नहीं थी पाकिस्तान की, सो क्या यही माइंडसेट बनाकर आए थे कि जी बस टुक टुक करते रहना है? ये भी तो नेगेटिव माइंडसेट है जिसमें फिर इवेंचुअली विकेटें गिरती हैं। देखिए
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें ऑनेस्टली अभी भी अगर देखें जो जो स्ट्राइक रेट है 80 ओवर में 189 रन से आजकल के क्रिकेट में जब T20 क्रिकेट की ज्यादा हो गई है आपके पास शॉट्स खेलने का लाइसेंस है यू नो शॉट्स खुल गई है बैट्समैनों की तो मेरे ख्याल इस जमाने में आप कम अज कम 80 ओवर जो है आपके 240 रन होने चाहिए लेकिन चलिए ये सिचुएशन की डिमांड समझते हैं समझ सकते हैं हमने बैट ड्रॉ पे भी जाना लेकिन अगर आप हमारी स्ट्राइक रेट को देखें थ्रू आउट काफी सालों से ये बहुत बड़ा एक फ्लॉ है जिसमें आप एक चांस देते हो बॉलर को जब तक आप उसको डोमिनेट नहीं करोगे आप बॉलर्स की जो वीकनेसेस है उसको एक्सप्लॉइट नहीं करोगे आप उस पर डोमिनेट नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट ये भी एक माइंड गेम है और ये हम लोग का वीक पॉइंट है जो हमारे ओपनर से इतने बॉक डाउन हो जाते हैं बिल्कुल मेरा ख्याल से कुछ ऑडियो में कुछ इशू हो रहा है डिस्कनेक्टिविटी आ रही है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से। ऑनेस्टली स्पीकिंग अदील मतलब अगर मैं बात करती हूँ अभी भी मैंने जितने लोगों से बात की वहाँ स्टेडियम में भी डिस्कस किया एक चीज जिसका सवाल मैं ढूंढ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि नहीं हमको आपकी आवाज आ रही है यहाँ पे हमें जो है क्लियर आ रही है बट एक सवाल जो मैं जो बहुत जिसका जवाब ढूंढना चाह रही हूँ शायद मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठूंगी तो हमें अभी तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं पता एंड आई एम जस्ट हंटिंग फॉर दैट आंसर कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है क्या मैनेजमेंट को ये पता है क्या कैप्टन को पता है ये कि टीम पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है मतलब लेट्स से ठीक है ये हो गया जो हुआ पिंडी में जो हुआ वो हुआ पिच का हमें पता है कराची में अभी हम बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली ये परफॉर्मेंस आ रही है तो ठीक है बट अब मैं जब लाहौर की तरफ ये शिफ्ट होंगे जब ये तीसरा टेस्ट मैच खेलने जाएंगे सो क्या हम देख सकते हैं कि हमने क्या रैंक टर्नर बनाना है या हमने अपने फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट देना है हमारी क्या हम कहाँ जीत सकते हैं किस चीज़ में? नहीं नहीं आई थिंक ये जो एक कन्फ्यूजन आपने जिसकी तरफ इशारा किया है ये सीरीज़ में काफ़ी खुल के सामने आ रहा है और आई थिंक दैट्स एक्चुअली डिसीशन जिसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारी स्ट्रेंथ है क्या लेट्स डिसाइड ऑन दैट इफ यू थिंक दैट पेस बॉलिंग इज आर स्ट्रेंथ और हमें पेस बॉलिंग के हिसाब से विकटें बनानी है गो फॉर इट लेट्स टेक अ एजुकेटेड डिसीशन एंड अ कम्बाइंड कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड्स के यार हमें ये स्ट्रैटेजी लेकर जानी है बट येस आई थिंक दिस अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जो कि हमें इस पूरी स्टेज पर नजर आ रहा है एंड आई थिंक सवेरा हैज गॉट अ प्रीटी वैलिड पॉइंट सॉरी एक और हम डिस्कशन पॉइंट आज एक हमारे लेजेंड एक क्रिकेटर के साथ में बैठी हुई थी आई वोंट नेम हिम बिकॉज हमारी एक ऐसी डिस्कशन हो रही थी सो उनसे मेरी ये बात हुई कि मतलब व्हाई डिड वी परफॉर्म दिस वे क्यों हमने पिंडी में ऐसा किया और क्यों हमने ऐसा किया ही हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि उनका ये मानना था कि दिस सीरीज वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि ये हो जाए यहाँ राइट ऑस्ट्रेलिया कमिंग बैक टू पाकिस्तान इज वॉट वी वर फोकसिंग ऑन बट ऑस्ट्रेलिया वॉज फोकसिंग ऑन दैट वी आर द नंबर वन टीम एंड वी नीड टू कॉन्कर अनदर रीजन वेयर वी हैवंट बीन सिंस 24 ईयर्स ओके सो ऑस्ट्रेलिया वॉज फोकस्ड के हमने ये जीत हासिल करनी है यहाँ जाके बट पाकिस्तान वॉज फोकस्ड के हमें जो है ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में बुलाना है और सीरीज करवानी है क्योंकि अगर सीरियसनेस होती तो इस टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया टूरिंग पाकिस्तान के लिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से सबकी वीडियोस आ रही थी कि तैयारियां हो रही हैं ये हो रहा है 27 फरवरी को बाबर आजम जॉइंड इन राइट यानी हमारा कैप्टन ही 27 को आया और 4 को पहला मैच था विच मीन्स के एक महीने पहले कैंप नहीं लगा कुछ नहीं हुआ और यासिर हमीद ने हमें वापस ज्वाइन इन कर लिया यासिर अभी अदील आपसे वो एक सवाल पूछ रहे थे जी हम ओपनिंग के हवाले से यासिर अगर मैं बिल्कुल वहीं से जहां से आपकी आवाज़ कटी थी माइंडसेट की बात कर रहे थे हमारे ओपनर जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे और फिर वन डाउन यासिर ने भी आके इस तरह की बैटिंग की थी प्रेशर ना भी हो तो चढ़ जाता है आपने कहा था कि जी हमारे थोड़े से बॉक डाउन हो जाते हैं ओपनर्स अगर आप वहां से प्लीज कंटिन्यू कर सकें थैंक यू देखिए ओपनर का काम ये है कि नया बॉल है आपने नया बॉल है अगर आप उसको ठीक है रिस्पेक्ट देनी है जो बॉल स्विंग हो रहा है बाहर का बॉल है छोड़ना है यहाँ पे जो शॉट्स मारने क्योंकि बहुत गैप होते हैं 3 स्लिप्स होती है गली है पॉइंट है 5 फील्डर तो आपके इधर है एक इधर है सामने आप सामने खेलो मिड ऑफ मिड ऑन खेले जो बॉल स्लॉट में उसको कवर में मारे अब ये तो नहीं है कि आपने बस ये टक 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 अब यहाँ पे आपने भाई
टक्का लगाना है, टक्का लगाना है यार, इस टुक टुक से निकलो भाई, इस टुक टुक से निकलो, थोड़ा सा आगे निकलना है, आगे निकलना है, थोड़ा सा बढ़ना है आगे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एज ए बैट्समैन। ये नहीं कि बस आपने बस बैटिंग विकेट मिली कहीं पे 500 बॉलों पे आप कर रहे हो 100 कर रहे हो या 300 बॉलों पे 100 कर रहे हो, तो वो 100 का आप खुद बताए ना, 100 तो आपकी क्रेडिट में आ जाएगा लेकिन उस 100 का कुछ फायदा नहीं है, आप 100 उस टीम को नुकसान है, 100 का उस टीम आप पे प्रेशर, फजूल प्रेशर डाल रहे हो आप पीछे। आप इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव खेलो, ठीक है आप अपने विकेट की प्राइस रखो, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने हर बॉल पे मारना है, हर बॉल पे आपने रन करने हैं, लेकिन आपने जहाँ पे तीन चार रन आपने करने हैं, आपने ये डिमांड है आपकी, लेकिन आपको टाइम मिल जाता है, अगर आप टाइम जाया करते हो ना, अगर आप 200 ओवर खेल के आप 400 रन करो क्या फायदा, दो की एवरेज बनती है, अगर आप 150 ओवर खेलते हो बैटिंग करते हो आप 350-400 करते हो तो नजर आ रहा है यार कुछ फायदा, उसके बाद 50 ओवर बच रहे हैं आपके बॉलर्स के लिए, आपको आपकी टीम के लिए। तो टेस्ट मैच में मैं समझता हूँ ये एक पॉइंट है जिसपे हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा, हमारे ये अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बड़े अरसे बाद मुझे एक ऐसा प्लेयर नजर आया कि जो प्रॉपर क्रिकेट, उसका हेड पोजीशन अच्छी है, बॉल उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, जहाँ पे लाके वो बॉल को बल्ले के साथ मिलाता है, जो शॉट खेलता है, तो ये इस तरह के प्लेयर्स हमें चाहिए कि हम इनको ग्रूम करें। बिल्कुल, और ग्रूम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अपडेट में देती चलूं, द फोर्थ डे ऑफ द सेकंड टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 192/2 पाकिस्तान यहाँ पे दिन खत्म हुआ है, एंड लेट्स होप कि कल का जो पहला घंटा है वो गुजारना टीम पाकिस्तान को बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो पहला घंटा वो गुजार गए तो यू नेवर नो कि हम ड्रॉ करने में कर सकेंगे और ड्रॉ कर सकेंगे। सिंपल एज दैट फॉर बाबर, कह रहे हैं जी पार्टनरशिप लेकर चलेंगे। जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए अभी भी 314 रन दरकार हैं, 90 ओवर का खेल होना है, अब कॉम का कॉन्फिडेंस ना बढ़ना शुरू हो रहा है, सिर्फ 3.5 रन पर ओवर मैच जीतने के लिए चाहिए, 8 विकेटें हमारे पास मौजूद हैं, चाइल्ड्स प्ले मैन, सीरियसली चाइल्ड्स प्ले, आराम से मैच नहीं वैसे वाकई खैर एनीवे आई थिंक पाकिस्तान टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा, 3 दिन जो एक हाइबरनेशन की कैफियत थी इससे जो है वो टीम बिलाखिर बाहर निकल आई है, वी हैव मेड अ मैच ऑफ इट, चौथा दिन थोरली बिलोंग टू पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ने सुबह जल्दी इनिंग डिक्लेयर की और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने एक अच्छी आज पार्टनरशिप 171 रन की ये पार्टनरशिप हो चुकी है, चौथी विकेट की कोई भी इनिंग हो सवेरा हमेशा इसकी बड़ी वर्थ होती है, यूनुस खान एक ज़माने में पाकिस्तान की चौथी इनिंग्स के एक्सपर्ट माने जाते थे, अब उनकी गैर मौजूदगी में बाबर, अब्दुल्ला शफीक, व्हाट एन इनिंग दीज गाइज आर प्लेइंग, एंड यस व्हाट अ गेम वी आर एक्सपेक्टिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर टुमारो, कल तो मुझे लग रहा है कुछ क्राउड ऑफिस से निकल के आई जाएगा। बिल्कुल, क्राउड आज भी था काफी, अच्छा सारा क्राउड और एंजॉय कर रहे थे, बट ये इस वक्त जो है हाईएस्ट पार्टनरशिप हो गई है फोर्थ इनिंग्स की एट नेशनल स्टेडियम टेस्ट मैचेस की, इससे पहले जो है वो 1998 में एजाज अहमद और मुइन खान की पार्टनरशिप हुई थी 153 रन्स की, सो विच मींस के ये उससे गुजर गए आगे आगे उन्होंने पलटा खा लिया है, एंड इफ यासिर इज विद अस सो मैं यासिर से जो है वही सवाल पूछना चाहूंगी जो मैं अदील से पहले पूछा था। यासिर, टॉकिंग अबाउट दिस टीम, अभी जो हमारी करंट टीम है, हमारी टीम की स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है? देखिए स्ट्रेंथ तो माशाल्लाह टैलेंटेड, आई मस्ट से कि बहुत टैलेंटेड टीम है और जेन्युइन टैलेंट है, कुछ लड़कों का जो एटीट्यूड वाइज बहुत अच्छे हैं, जैसे रिजवान है टीम में, एक बड़ा ज़बरदस्त एक हमांगी है, टैलेंट है, हार्ड वर्कर है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी, क्योंकि होम क्रिकेट इतनी नहीं है अभी, इनको इतनी इनकी मेंटली इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोकस्ड है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहीं यासिर पर पिच जो है, सॉरी मैं कथा कलामी की माफी, पिच जो है वो रैंक टर्नर बनानी चाहिए दूसरी टीम को पकड़ने के लिए या फास्ट बोलर्स के लिए बनानी चाहिए? देखिए मैं पिच को आई विल नॉट ब्लेम पिच, स्पेशली कराची, क्योंकि मुझे पता है कराची में मैं बड़ी क्रिकेट खेला हूँ, बिल्कुल कराची की जो पिच है, मैं 10 साल खेला हूँ कराची में, ये मेरा होम ग्राउंड होता था, मैं PIS से खेला हूँ, जब पाकिस्तान के लिए काफी खेला हूँ यहाँ पे, यहाँ की जो पिच है, यहाँ का एक कराची के एक वेदर की एक खास बात है कि आपको शुरू में दो घंटे हैं इधर स्विंग मिलता है आपको, ठीक है, अगर बॉल नया हो तो नया बॉल स्विंग होता है, अगर पुराना हो तो रिवर्स स्विंग होता है, और शाम को आपको एक घंटा एक डेढ़ घंटा जरूर हेल्प मिलती है, और जो बीच के सेशन है इसमें अगर बैट्समैन अच्छा खेले, फोकस्ड खेले, तो एक लंबे रन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि
पिच को मैं ब्लेम नहीं करता, हाँ पिंडी की पिच पे बात हो रही थी, वहाँ पे थोड़ा सा चले वो फर्स्ट वो था, शायद उनको समझ नहीं आई, काफी अरसे बाद टेस्ट मैच हो रहा था, लेकिन कराची की पिच को मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। जो लोग कह रहे थे यार पिच पे ये है पिच पे वो है, अभी यार भाई अभी एक घंटा दो घंटे गुजरे ट्विटर पे ट्रेंड बन गया था कि यार पिच जो है ये है पिच वो है। एक्चुअली हम लोगों के जो टेम्परामेंट है लोगों का टेस्ट क्रिकेट का बहुत कम हो गया है। पहले जमाने में बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट होती थी, लोग फॉलो करते थे, पता होता था सिचुएशंस का। अब वही 20 ओवर्स की क्रिकेट है, 4 ओवर किए, 4 ओवर देखे, 4 ओवर खेले और चले गए। क्रिकेट का देखे ये ऑब्जर्विंग प्रेशर को ऑब्जर्व करने वाली गेम है, ये यही तो टेस्ट क्रिकेट है, यही तो मजा है क्रिकेट का। थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू, वी रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बट बहुत शुक्रिया योर इनपुट। एंड यस एब्सोल्युटली आई थिंक लोगों के टेम्परामेंट जरा टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट इन पाकिस्तान। यस, और कराची पिच पे शायद इसलिए ज्यादा बात हो रही थी बिकॉज पिंडी पिच पे एक इंपैक्ट था, अगर वो नहीं होता तो शायद आई थिंक द विकेट इज प्लेइंग रियली वेल। ओके जी, हमारे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खिजर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चमगोइयां हो रही हैं इस सीरीज की, जो लिमिटेड ओवर्स के मैचेस होने वाले हैं उसकी शेड्यूलिंग के हवाले से, तो खिजर हमारे पास मौजूद हैं, देखते हैं उनके पास क्या अपडेट है। जी खिजर, ओवर टू यू। खिजर आपको हमारी आवाज आ रही है? क्लाइमेट चल रहा है पाकिस्तान का, उसके हवाले से जाहिर है ये सीरीज। वैसे काश हमारे सारे पॉलिटिशियंस बहुत शदीद क्रिकेट फैन होते हैं, वो कहते हैं कि क्रिकेट सीरीज के बाद हम सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद हम ये करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेट सीरीज है एंड ऑल, लेकिन खैर चले इंशाल्लाह होपफुली कॉमन सेंस विल प्रिवेल देयर एज वेल। लेकिन या चले जी, ये मामला तो हो गया, खैर इसके हवाले से जहाँ पे शेड्यूलिंग का है तो ये खिजर जो है हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोग ये बताते जरूर चलें जी, वी आर ऑल सेट फॉर अ वेरी एक्साइटिंग फिफ्थ डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट टुमारो, जेन्युइन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक अदील को यकीन नहीं आ रहा वैसे ही बोलते हुए, फिफ्थ मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा रुके, मैं आज मेंटली तैयार था, मैं आज ऑनेस्टली मेंटली तैयार था, एवरीवन वाज मेंटली रेडी कि आज ये मैच खत्म हो जाएगा। खिजर हमारे साथ अब मौजूद हैं होपफुली, खिजर क्या अपडेट है आपके पास ओडीआई और लिमिटेड ओवर सीरीज के शेड्यूल के हवाले से? जी बिल्कुल, लिमिटेड ओवर जो सीरीज़ है उसके हवाले से यही अपडेट है कि जो मुमकिन हालात हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऑप्शन खोल दिया है कि मुमकिन तौर पे मैचेस को लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बी और सी पर अमल पैरा है। यकीनन जो हालात हैं इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, तो किसी भी मुमकिन सूरत हाल को देखते हुए कद्दाफी स्टेडियम लाहौर वो वेन्यू है जहां पर लिमिटेड ओवर वाइड बॉल मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, अगर सूरत हाल जूं की तू रहती है और जिस तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी ओके जी, तो मतलब ये जो खबर है, थैंक यू खिजर, थैंक्स अ लॉट। और ये बिल्कुल जी प्लान बी पे अगर जाने की बात हुई तो इसका मतलब जो शॉर्टर फॉर्मेट है, जो शॉर्टर फॉर्मेट सीरीज का ये जो हिस्सा है वो लाहौर ले जाने की बातचीत हो रही है, बिकॉज जो इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं, कहीं कहीं धरने हो रहे हैं तो कहीं कोई मार्च जारी है, तो पता नहीं व्हाट नॉट, सो लेट्स सी कि क्या होता है। बट अब हमें जो है वो ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद साहब ने, हमारे साथ वो फोन लाइन पे मौजूद हैं। शब्बीर साहब, गेम सेट मैच में खुश आमदीद जी, आप सुन सकते हैं हमें? जी, आवाज आप करती थी जरा की बोले। मैंने कहा जी गेम सेट मैच में आपको खुश आमदीद। अच्छा, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह अभी ये टेस्ट मैच चला है, मैं क्योंकि ये हम सबसे पूछ रहे बिकॉज हम खुद बहुत हैरान हैं, आप ये सोच रहे थे कि पांचवें दिन तक ये मैच जाएगा? आप इतनी जल्दी हौसला हार गए, मैं तो नहीं हारता हौसला। मैं तो कहने कहा ये पार्टनरशिप लगी रहे, पार्टनरशिप का गेम है ये सारी, अभी इनकी पार्टनरशिप का लंच तक कम से कम जानी चाहिए, दोनों बैट रहे कैच भी है रन भी कर रहे हैं, तो ये मैच ड्रा, पहले तो हमारा यही है कि ड्रा की तरफ जाएं, लेकिन अगर लंच तक जाती है तो हमें जीते की तरफ भी जाना चाहिए। तो यानी आप ये कहते हैं कि यही पार्टनरशिप, फर्ज करें खुदा ना खासा पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल शब्बीर मैच का ऑफ कोर्स, और अगर पाकिस्तान बगैर किसी नुकसान के लंच तक जा, तो आपको ये लगता है कि हम चेस के लिए जा सकते हैं, लेट्स से 200 रन चाहिए हुए या 225 के करीब?
जी बिल्कुल, कल अगर लंच तक आउट नहीं होते और 50 से 60 रन करते हैं तो इसका फायदा आएगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान फिर जीतने की तरफ भी जा सकता है। बिल्कुल, यू नेवर नो क्या काया पलट जाए, क्या हो जाए। अभी तो हम ड्रॉ पे मुकमुका करने के लिए तैयार हैं, मगर शबीर एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। हमें पैट कमिंस, हमें स्टार जो है वो रिवर्स स्विंग करते हुए दिखे, बट ऐसा क्या गलत कर रहे थे हमारे फास्ट बॉलर? ठीक है, शाहीन भी आपको शायद जो पहला दिन था उस वक्त टी से पहले जो है थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मिल रहा था शाहीन को, बट उसके बाद ना शाहीन ना हसन हमें रिवर्स स्विंग करते हुए क्यों नहीं दिख रहे हमारे बॉलर्स? क्या वो थके हुए हैं? दो चीजें मैं ऐड कर दूं। जी जी, जो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो हमारे जो डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको ऐसी पिचेस पे करवाना चाहिए ताकि बॉलर की जो बॉडी है वो जोर लगाना की तरफ जाए। हमारे बॉलर चार ओवर की बॉलिंग कर करके उनकी आदत बनी हुई उनकी बॉडी की, वो वैसे जोर नहीं लग रहा है, इसलिए रिवर्स स्विंग भी नहीं हो रहा, क्योंकि रिवर्स स्विंग को थोड़ा जोर चाहिए होता है, स्पीड चाहिए होती है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए हमें फर्स्ट क्लास में थोड़ी पिचेस चेंज करनी पड़ेंगी, तो उससे फिर फायदा होगा पाकिस्तान के ये फास्ट बॉलर को। और दूसरी चीज ये कि हमारे फास्ट बॉलर उसमें जो शाइन थी वो नहीं छुपा के ला रहे थे, जैसे स्टॉक और वो कमज छुपा के ला रहे थे, तो शाइन के साथ फिर इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए खेलना। तो इसलिए हमारे फॉरवर्ड को चाहिए था कि उसको थोड़ा शाइन को छुपा के लाते तो उनको विकेट भी मिलती और रन भी ना होते। शबीर, पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच उन्होंने ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम को, शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के फास्ट एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हुआ करते थे, जो कि ऑफकोर्स अब कोचिंग की जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे, बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां, इनकी अपॉइंटमेंट को कैसा देखते हैं? आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं। देखिए, उसको एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन पिचेस का या वहां गया, हमें यहाँ पे चाहिए पाकिस्तानी पिचेस के हिसाब से, यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी हो और हमें डोमेस्टिक भी जिसका काम जो कर सके, हमें जो अपकमिंग बॉलर हैं उनके साथ काम कर सके, उनको कैसे रिवर्स स्विंग करना है या नए बॉल से कैसे बॉल करना है। हमें ज्यादा फायदा जो हमारा अपना लोकल कोच होगा वो ज्यादा दे सकता है बनिस्बत ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर के। सही, बिल्कुल, इन कंडीशंस को समझ सकता है या अपने लड़कों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। बच्चा, अभी नेशनल स्टेडियम कराची की मैं बात करूं, बड़ी एक कॉन्वर्जेशन, एक डिस्कशन चल रहा है, जब टॉप शॉट आता है पूरे स्क्वायर का तो बात होती है कि इतना उजड़ा हुआ स्क्वायर कभी भी नहीं देखा नेशनल स्टेडियम कराची का, इतनी रफ विकेट्स हैं इधर से उधर, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियंस बॉलर जो है वो फायदा उठा रहे हैं, उनको उन रफ पैचेस पे बॉल मार के उनको मौका मिल रहा है कि वो रिवर्स कर सकें। आप कुछ कहेंगे उस हवाले से? देखिए, ये हमारी हमेशा स्पिन बॉलिंग पे हमने जो दूसरी होती है टीमें बाहर की, ऑस्ट्रेलिया हुई, इंग्लैंड हुई, न्यूजीलैंड हुई, इनको हमेशा स्पिनर के जाल से फंसाया, और इस दफा हमारे स्पिनर ने वो काम नहीं किया जो हमारे स्पिनर का खासा था, तो इसलिए ये पिचेस बनाई स्पेशल गई थी स्पिनर के लिए, तो लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया और रन भी बनाए, तो इसलिए इतना हमें फायदा नहीं हुआ। तो पॉलिसी तो हमारी वही हमेशा से यही चलती है, हमेशा स्पिनर पे हमने उस पे आउट किए हैं और मैच जीते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमने सही स्पिनर्स ऑप्ट नहीं किए इस सीरीज के लिए, इनफैक्ट नेशनल स्टेडियम कराची में खेलने के लिए? देखिए, यहाँ पे लेग स्पिनर भी एक बनता था, वो भी नहीं खिलाया, लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर पे गए हम, लेग स्पिनर होता तो हमें अवेलेबल थे हमारे पास। जी, जाहिद महमूद अवेलेबल थे हमारे पास। हाँ जी, जो भी है अवेलेबल है उनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि लेग स्पिनर का एडवांटेज ये है कि ऑस्ट्रेलियन थोड़ा सा खुला खेलते हैं, उसमें एज वगैरह लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलें, शबीर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शबीर अहमद, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम स्पेशली बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनके पास भी हमारे लिए कुछ अपडेट है। जी, अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कादिर, आपको आवाज़ आ रही है? रक्षों की तो पीछे आवाज़ आ रही है मुझे बैकग्राउंड में, आपको भी आ रही होगी? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अरे ये तो कराची में घूम रहे हैं ये कहाँ? कादिर का बैकग्राउंड बदल गया है बदल गया। ये तो कारसाज रोड पे आ गए। जी कादिर, कहाँ कोई नेशनल स्टेडियम की अपडेट लाए? सुना है आप स्टेडियम अपडेट तो कदाफी स्टेडियम की दे रहे हैं हमें कोई।
देखें स्टेडियम के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि जब रमीज राजा ने ज्वाइनिंग दी थी उसके वक्त ही उनका ये स्टांस था कि तमाम तर जो स्पॉन्सर्स हैं वो बोर्ड के मामला को देखें और खर्च जो अखराजात हैं वो कम हो। इसी वजह से रमीज राजा ने मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स के जरिए सीरीज़ में भी स्पॉन्सर्स दिया, PSL में भी आपने देखा स्पॉन्सर्स को ज़्यादा तवज्जो दी गई। इस वजह से अब जो है वो 1974 में चूँकि मोहम्मद कदाफी के नाम पर कदाफी स्टेडियम लाहौर को अलॉट किया गया था, अब चेंज करने की नौबत आ चुकी है और रमीज राजा ने यह फैसला किया के नेशनल स्टेडियम कराची, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और मुख्तलिफ जो रावलपिंडी स्टेडियम है उनके नाम तब्दील किए जाए और नाम जो है वो स्पॉन्सर्स के नाम पर हो, जिस तरह बाकी जो है वो बैरून मालिक में होते हैं, बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ के स्टेडियम हैं वो स्पॉन्सर्स के नाम पर होते हैं। तो इस वजह से एक रेवेन्यू भी जनरेट होगा और उसके बाद जो है वो अभी तकरीबन तमाम तर चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, 1.5 से 2 माह लगेंगे तमाम बिड्स के लिए, तमाम स्पॉन्सर्स के इकट्ठे होने के लिए और उनके SOPs तय किए जा रहे हैं। जो स्पॉन्सर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको तमाम तर इख्तियार स्टेडियम के दिए जाएँ, जो अंदर पिचेस हैं, इंक्लोयर्स हैं, जो मीडिया गैलरीज हैं, अंदर जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, उनको तमाम तर जो इख्तियार हैं वो उनको सौंपे जाएँ। जिस पर रमीज राजा का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने में आ रहा है कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो स्पॉन्सर्स के साथ ये कर रहे हैं कि आपको स्टेडियम का नाम मिल जाएगा और स्टेडियम जो है वो तारीखी स्टेडियम है उनके नाम के साथ आपका नाम मंसूब होगा, जबकि अंदर के जो मामला थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही देखेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के दरमियान और 1.5 से 2 माह के दरमियान जो तमाम तर बिड्स हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे और उसके बाद लाहौर का जो नाम है वो स्पॉन्सर के नाम पर जो हाईएस्ट बिड देगा उसके नाम पर चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद शिफ्टिंग की जाएगी नेशनल स्टेडियम कराची की, उसके बाद रावलपिंडी स्टेडियम के साथ साथ जो दीगर मुल्तान स्टेडियम है उनके भी नाम तब्दील किए जाएंगे और उसके बाद जो तमाम तर मामला है उनको देखा जाएगा। रेवेन्यू जनरेट करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मुख्तार चुके अदारा है और तमाम तर जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। टीम्स आ रही हैं, अब इंटरनेशनल टीम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया आई हुई है उनके अखराजात भी हैं, बाकी जो मामला हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हैं उनके भी मुनाफे दे दिए हैं, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिड जो है वो इस मरतबा दी। लेकिन अब जो है वो स्टेडियम के नाम जब तब्दील किए जाएंगे तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे और उससे फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ राबते में है और तकरीबन 90% मामला फाइनलाइज हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 माह लगेगा तमाम तर बिड्स जो है फाइनल करते हुए, उसका पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ नाम जो है वो हमारा स्टेडियम होता है। बट कादिर कराची में मौजूद थे तो आपको कराची में खुशामदीद कहती हूँ और शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ गेम सेट मैच का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, बट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से हट कर जो है आज जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान टीम में विच इज़ कमेंडेबल। एब्सोल्युटली सवेरा कल तो बहुत गुस्से में थी बिफोर द शो और आफ्टर द शो भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि कल ये शो के दौरान भी ऐसी हस्ती मुस्कुराती नजर आए और उसके बाद भी। बिल्कुल जी, टच वुड, आई होप कि आप लोग सब भी यही चाह रहे होंगे कि कल भी हमारा एक अच्छा दिन हो पाकिस्तान क्रिकेट का। यू नेवर नो, मैं ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहती बट ड्रॉ पे ही मैं मुकमुका करना चाहूँगी, बट यू नेवर नो, यू कैन गेट सरप्राइजेज। गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है, आप लोगों ने रखना अपना ख्याल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।